नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एग भुर्जी बनाएंगे। एग भुर्जी बनाने के लिए मैंने 2 अंडे, 1 प्याज और 3 मिर्ची ली हुई है। सबसे पहले हम लोग प्याज को बारीक बारीक पीसेस में काट लेंगे। तो बारीक उसके बाद हम लोग से मिर्ची को भी बारीक बारीक पीसों में काट लेंगे। प्याज को काटने के बाद हम लोग पैन में थोड़ा सा तेल डाल के रखते हैं। जब तक तेल गर्म हो जाता है, हम लोग प्याज और मिर्ची कट कर लेते हैं। अभी ऑलमोस्ट तेल अपना गर्म हो गया है। उसके बाद जैसे ही तेल गर्म हो रहा है, मैं जब तक उसमें थोड़ा सा जीरा और राई डाल देता हूँ। जैसे ही जीरा और राई होता है, उसके बाद हल्का सा मैं उसमें तड़का आने देता हूँ। तड़का आने के बाद उसमें मैं प्याज और मिर्ची छोड़ देता हूँ। अभी इसको 2 मिनट तक मैं इसे चलाते रहता हूँ। 2 मिनट में ऑलमोस्ट ये हो जाएगा थोड़ा ब्राउन कलर प्याज का। जब तक हम लोग प्याज टमाटर को मस्त धो के छोटे छोटे भागों में काट लेते हैं। जब तक अपने प्याज होते रहेंगे, प्याज जैसे ही होते हैं मैं थोड़े से फ्लेम बढ़ा देता हूँ। तो जैसे ही जब तक प्याज होंगे, तब तक हम लोग टमाटर कट कर लेते हैं। टमाटर कट हो गए हैं और प्याज का भी कलर ब्राउन हो गया है। अभी हम लोग इसमें टमाटर डाल देते हैं। सो टमाटर डालने के बाद एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा हम लोग इसमें नमक भी अभी डाल देते हैं। तो जिससे क्या होगा कि टमाटर थोड़े जल्दी हो जाएंगे। अब देख सकते हो मैंने टमाटर डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक छोड़ देता हूँ मैं। अभी इसको कुछ देर के लिए होने देता हूँ मैं टमाटर को, जिससे कि थोड़ा उसमें नमी या पानी छोड़ने लग जाएंगे टमाटर। अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं टमाटर। अभी मैं इसमें अंडे छोड़ देता हूँ तोड़ के। अभी मैंने 2 अंडे डाले हैं इसके अंदर। इसको हल्का हल्का होने देता हूँ। अभी देखो एक परत बन गई है अंडे की। तो यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा मिक्स कर देता हूँ टमाटर और प्याज मिर्ची के साथ में, ताकि सब मिल जाए आपस में। अभी इसको थोड़ा सा चला के रख देता हूँ, फिर ढकता हूँ। ढकने के बाद देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा स्पंजपन आ गया है। मैं इसको ढक के रखा था 2 मिनट के लिए। 2 मिनट ढकने के बाद अब मैं इसको थोड़ा हल्का हल्का स्लाइस करते रहता हूँ, मैंने चलाते रहता हूँ, जिससे कि नीचे ना लगे और इससे टेस्ट भी अच्छा आते रहेगा। मैंने नमक पहले ही डाल दिया था इसमें जब टमाटर थे, तभी स्वाद अनुसार आपके अकॉर्डिंग भी आप लहसुन नमक छोड़ सकते हो। अभी आप देखोगे किसका कलर थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है। हम लोग थोड़ा सा और होने देते हैं इसको 30 सेकंड के लिए। अभी देख सकते हो आप, ये बहुत ही अच्छी भुर्जी बन गई है और आप इसे अच्छे से रोटी या चपाती के साथ खा